और दिल्ली विधानसभा में नोट लहराए जाने के बाद टीवी 9 संवाददाता जितेंद्र भाटी ने आम आदमी पार्टी के विधायक महेंद्र गोयल से बातचीत की, सुनिए। रिठाला से विधायक महेंद्र गोयल हमारे साथ हैं, क्या मामला है पूरा? ये मामला इस समय बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल से रिलेटेड मामला था। ये खाली बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल से ही नहीं, ये पूरी दिल्ली के अंदर चल रहा है। कहीं पर सुरक्षा कर्मियों के नाम पर, कहीं पर नर्सिंग अर्दली के नाम पर, कहीं पर सफाई कर्मचारियों के नाम पर, जो ये धांधलीबाजी चल रही है, ये बहुत बड़ी धांधलीबाजी। ये एक कंपनी नहीं, सभी कंपनियां कर रही हैं। जो टेंडर वहाँ पे लेते हैं, 80% के दिल्ली सरकार की तरफ से एक क्लोज है कि 80% कर्मचारी आपको अपने पुराने रखने। अच्छा, ये आपके संज्ञान में कब आया मामला? ये मेरे संज्ञान में काफ़ी टाइम से, और ये मैंने पत्र DCP साहब को, ACB को और सभी अधिकारियों को, जो भी इससे संबंधित अधिकारी हैं, सभी को लिख रखा है। चूना लगाने वाली कंपनी के IPO में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट IPO निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, IPO निवेश में एक्सपर्ट बने। लेकिन कोई कहीं पर कोई कार्रवाई नहीं। दिल्ली सरकार को लिखा, आपकी पार्टी की सरकार है। मैं कह रहा हूँ ना, मैं सभी को इस मामले के अंदर पत्र लिखा। जब ACB भी है, ACB भी दिल्ली सरकार के अधीन आती है, दिल्ली पुलिस है, जिनका जो ये अधिकार क्षेत्र बनता है, उन सभी को मैंने ये लिख के दिया। ये बताइए, किसने आपको रिश्वत दी और कितना पैसा था, कब दिया गया है? मेरे पास में ये पैसा जो दिया गया है, मैंने ये बकायदा इसके अंदर पूरे लेटर के अंदर सब कुछ शुरू से लिखा हुआ है। थोड़ा बताएं, किसने आपको रिश्वत देने की कोशिश की है? इसके अंदर जो कंपनी का कर्मचारी था, गोरखा कंपनी था, उसके कर्मचारी ने मुझे रिश्वत देने की, और मैंने कहा कि मैं रंगे हाथों पकड़वाता हूँ। मैंने थाने के अंदर भी ये एप्लीकेशन दी और सब कुछ दिया, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। आपने क्या चाहते? चूना लगाने वाली कंपनी के IPO में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट IPO निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, IPO निवेश में एक्सपर्ट बनें।